सुंदरबन अंचल रे अम्फन लैंडफॉल कले धनजीवन नष्ट हेबा आशंका बढ़ी तबे अम्फन जीवा बाटरे ओडिशा रे भी क्षति करिपारे घरद्वार विद्युत खुंट एवं गछ भांगिबो तेणु तळिया अंचल लोक चासी तथा मत्स्यजीवी चिंता बढ़ी वर्षा और पवन बेले बाहर को न जीवा को सतर्क कराई दिया जाएगी। उपकूलिया गाँव में लोके छानिया तलिया अंचल लोक स्थानांतर समुद्रकूलिया गाँ गंडार लोके घरद्वार छाड़ आसी जात्या आश्रयस्थल को प्रशासन पक्षर जो रहा खाइबार हो सबु बंदोबस्त केन्द्रापड़ा जिला समुद्र तटवर्ती राजनगर और महाकालपड़ा अंचल प्राय 29 पंचायत 117 गाँव अम्फन माड़ हेले धनजीवन नष्ट आशंका बढ़ी पवन बेगरे कच्चा घर एवं पुरुणा पक्का घर भांगिबो टेलिकम और विद्युत खुंट भांगिबा सह रेल और सड़क पथ विच्छिन्न होइपारे सेहिपरि प्रबल वर्षा प्रभाव में फसल नष्ट ताल और नड़िया गछ सह बड़ बड़ गछ मध्य उपुड़ी पारे बात्या पवन में उड़ुथिबा कौनसी वस्तु जो क्षति होइपारे छोट जहाज और डंगा मध्य नष्ट आशंका रही तेणु वर्षा और पवन बेले बाहर को न जावा को सतर्क कर दिए जाइछि। बात्या पवन समय रे बाहर को बाहर ना चलिक बाहर ना कि दुई चकिया गाड़ी बा साइकिल बा चारि चकिया गाड़ी रे बाहर को बाहर ना। बात्या अम्फन को नहीं सबुठारु अधिक चिंतार चाषी रवि धान अमल बेले वर्षा हेले धान गजा हेबा सह नष्ट हेबो तेणु तरतर हो निरापद स्थान में धान रखा ने बालेश्वर चाषी एवं जो धान अमल हो बस्तार भर्ती कर छ माण जमी चाष करी से माने दी माण एम उठी आहरी पड़ी चारि माण पाखापाखि पवन जोर हम पा भर्ती नष्ट तो पूरा हो गाड़ी गुड़ा आइब कहे आज आई का विकाल सका यही चाष तो सब नष्ट कहे चाष उठे जा घर को किंतु परिस्थिति सेपटे माछ धरा और पर्यटकों पर व्यवहार होता डंगा को नष्ट बचाई लगी भद्रक मत्स्यजीवी चांदबाली अंचल में माछ धरा डंगा और भितरकनिका बुलाक जावा बोट गुड़िक भासी जावा भय बंधाबंधी करलिक नदीकूलिया और तलिया अंचल लोके निज निज कच्चा घर को सुरक्षित करिवारे लागी पड़िछंती आम भितर को नहीं नहीं जाऊँ ये आम चलूँ डंगा भी आम छोट छोट डंगा सब भी अच्छी नई पाखे रही चु जगिक वर्षा मेघ पवन हम कौट रसी छिड़ब से आम भयभूत भी अच्छा अबिका जो बाचा आसूसी यापाई आगे आयभूत रही पार न कहीं नदी पाखे आम घर कौन करूँ बोल कि आमको चिंता अधिक पवन और वर्षा हेले धनजीवन क्षति हवा आशंका अधिक तेणु जीवन और जीविका को नहीं लोकों भय बढ़ी। बालेश्वर सत्यजित सेनापति भद्रकु तपन स्वाई और भुवनेश्वर अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया।